शाम को नाजरीन, मैं दस्तूर टीवी की जानिब से निदा एमन। आज हम सरगोधा की मशहूर शख्सियत पामिस्ट महवेश बलोच के घर आए हैं उनसे मुलाकात करने, और जो कि इनका पहले शौक था पामिस्ट्री और अब जो है बाकायदा फैशन के तौर पे इन्होंने इसे अपनाया। तो आइए इनसे एक छोटी सी मुलाकात करें। अच्छा, बाकी की कहानी जो है वो महवेश बलोच की जबान। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे लिए। क्या कह रही हैं कि आपका शुक्रिया कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला, आप लोगों का शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आप आए, दरअसल आपका एक नाम है सरगोधा शहर में, ठीक है, और आप इंशाल्लाह एक बहुत मशहूर शख्सियत भी बन जाएंगी इंशाल्लाह। तो इस हवाले से जो है थोड़ी बहुत जो है वो तो हमें करनी चाहिए ना, खिदमत आपकी भी करनी चाहिए। ये एक बात है कि कहते हैं ज़बाने खल्क नाकारा खुदा है, बात बालों पर नहीं रखती लेकिन परवाज रखती है। आपके मुंह में घी शक्कर के मैं किसी एक और मुकाम पर भी पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि मेरी ज़िंदगी हो। हाँ आमीन आमीन, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। दरअसल सरगोधा शहर में जो है वो पहली दफ़ा नाम सुना है किसी खातून ने जो है पामिस्ट्री में कदम रखा है, तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए खातून के तौर पर। जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये यहाँ के लिए बिल्कुल एक न्यू एक चीज़ है कि आप पामिस्ट हैं और कुछ है, मतलब आप बड़े शहरों में जाए, बड़े सिटीज़ में जाए ना निदा, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर जो है बहुत सारे पामिस्ट बैठे हुए हैं। जैसे आप लाहौर में जाएँ तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र आएंगे पामिस्ट मुख्तलिफ़ होटल्स में बैठे हुए, आवारी टावर्स में, पीसीज़ में। तो बहुत ज़्यादा मशहूर जो हैं वो हैं मलिक साहब, एक मशहूर हैं बहुत ज़्यादा, वो भी हाथ देखते हैं दस चनासी के हिसाब से। और तो यहाँ के लिए एक नई चीज़ थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इसको प्रोफेशनली क्यों ना ज्वाइन किया जाए, अपने शौक को भी एक नया रंग भी दिया जाए और आके इसका फैज़ भी पहुँचाया जाए लोगों को, तो इसलिए फिर मैं निदा इस तरफ आ गई। अच्छा महवेश, चले ये तो हो गई थोड़ी सी डिटेल इस फील्ड के हवाले से कि आप क्यों जो है वो इस फील्ड के अंदर आए, ठीक है। तो पहले जो है मैं मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं, आप का पीछे से बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली है सब, थोड़ा बहुत जो है ना आपके बारे में जानना चाहते हैं लोग, तो उस हवाले से मैं ज़रूर बताती हूँ आपको, ज़रूर बताती हूँ। जी शौक सभी रखते हैं क्योंकि जब नया नया आप इस फील्ड में आते हो या किसी भी फील्ड में आते हो तो लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि भाई किसी के मुतल्लिक हमें मालूमात हो। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, बलोच फैमिली से, सरायकी पट्टी से जो है मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिद साहब जो है वो डॉक्टर हैं और वालदा मेरी मुल्तान की प्रोफेशनल पामिस्ट रह चुकी हैं, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको रहमत में दे रहे आमीन। तो ये वहाँ हम चार बहन भाई हैं, हम चारों को भी शौक था पामिस्ट्री का और हम हाथ देखते हैं सारे, लेकिन माशाल्लाह से हर कोई अपने घर बार में इतना मसरूफ़ है, अच्छे अच्छे उहदों पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको और कामयाबियाँ और तरक्कियाँ दें। तो इसको मैंने जो है एज़ पहले शौक लेके चल रही थी और मेरी यहाँ शादी भी जिम्मेदारों में होकर आई, तो फिर हम काफ़ी टाइम जो है चक वाली साइड पर रह गए। और अब बच्चों की पढ़ाई के लिए जैसे ही शहर मुंतकिल हुए हैं या इधर आए हैं, तो आप यकीन करें फिर मैंने इसको अपने मियाँ से, हस्बैंड से कहा कि भाई इजाज़त दो, अब हम इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली लेकर चलें। तो फिर जब हम प्रोफेशनली इस फील्ड में आए तो फिर आपको पता है कि लोग जब जानना शुरू करते हैं तो फिर वो कहते हैं ना जंगल में जैसे आग फैलती है ना ऐसे ही बात फैली। चले मेरी दुआ है इंशाल्लाह आप जो है वो और जो है वो इसमें तरक्की हासिल करें, आपका नाम हो सरगोधा शहर में, अभी जो है वो थोड़े से लोग जानते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरे सरगोधा में जो है वो लोग आपके नाम से जानेंगे, आपके काम से जानेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया निदा। ऐसी ही बात है कि अभी जब आपको थोड़े लोग जानते हैं तब भी अल्लाह ताला का एहसान समझना चाहिए, यूँ समझें कि अगर आपको एक ही बंदा भी सब जानता हो और पहचानता हो तो इंसान के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात होती है कि कोई आपको जानना शुरू कर देता है आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपकी फैमिली के हिसाब से, खुद आपके अपने किरदार के हवाले से। ये बहुत पॉजिटिव, मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। और पामिस्ट्री के हवाले से मैं इस इलम के हवाले से ये कहूँगी कि कुछ लोग इसको सही नहीं समझते कुछ है, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है पामिस्ट्री के हवाले से भी, तो मैं ये कहूँगी कि ये होप का और इनक्रेजमेंट का, आपके काउंसलिंग का और सबसे बढ़कर मोहब्बत का, इखलाक का जो है मेरा जो है ये एक तरीक़ाकार है, पैटर्न है, एक नॉलेज है, ताकि जो है लोगों तक, कहते हैं ना मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, लेकिन मेरा पैगाम है भाई उम्मीद जहाँ तक पहुँचे।
अच्छा मैं भी, हमारे जो है ना इस्लामी माशरा कह ले, इस्लामी माशरा भी है, और जाहिर सी बात है हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर इस्लाम का अमल दखल भी है मज़हब के लिहाज से, तो लोग जो है पामिस्ट्री को अच्छा नहीं समझते। आप जो है वो पामिस्ट्री में कई किस्में आ जाती हैं, इसमें 10 चनासी है, इसके अलावा जो है इनमें नजूम आ जाता है और मुख्तलिफ जो है वो उलूम आ जाते हैं। आपको किस पे 10 तरह आते हैं? इधर बात मुख्तसर इतनी सी है कि इल्म इल्म है, जब ये आप इसे हासिल कर लेते हो तो वो नॉलेज बन जाता है, और नॉलेज का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो वो एक स्किल बन जाता है। क्या बाज़ बात, मैं तो यही कहूँगी कि इल्म में जो है बहुत सारी चीज़ों के, वो कहते हैं ला इल्मी भी एक नेमत है और आगाही भी एक अज़ाब बन जाती है। तो इसे इल्म को इल्म की हद तक रहना चाहिए। जो लोग इस मामले में आ जाते हैं कि भाई ये सही है या गलत है, सबसे पहले तो उनसे खुद ये पूछा जाए कि वो फैसला करने वाले कौन होते हैं कि ये सही है या गलत है, उन्होंने खुद से कैसे सोच लिया किसी भी एक इल्म के बारे में। मेरे नज़दीक जो है इल्म को इल्म ही समझा जाए तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी एक इल्म की बात होगी, नॉलेजेबल बात है। अच्छा आजकल के जो सियासी हालात हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे अगर नॉलेज लेना चाहूँ तो क्या आप देंगी मुझे इस हवाले से? मैं तो अपने देखें, जहाँ पहले आपने जो सवाल किया है इस्लामी जमहूरिया कंट्री का, उसमें मैं यही कहूँगी कि जिस चीज़ के लिए पहले तो ये मुल्क हासिल किया गया था वही मफकूद है यहाँ पर। इस्लाम कहने के लिए है लेकिन कौन किस चीज़ की कितनी रेगुलरिटी में मुलविस है या कर रहा है या उस पर लागू हुआ है, मुझे तो आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला। खुद मैं अपनी भी बात करूँगी, इंसान पहले अपनी मिसाल दे, मिशल राह खुद बने कि किसी और की मिशल को क्या पकड़ना। जहाँ आपने पहले गुनाह और सवाब की बात की, देखें इल्म कोई भी है ना वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, वो आपको एक चीज़ मतलब एक डायरेक्शन ही देता है, वो आपकी मताए हयात है जिसे ना चोर चुरा सकता है ना कुछ है। इल्म हमेशा आपको बेनिफिट ही देगा। पामिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊँ ये आसानी से सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, बेसिकली इसके रूट्स चीन से हैं। और वैसे इल्म जफर जो है ये उनकी शाखों में से एक शाख है, बेसिक जो मजबूत शाख है वो इल्म जफर है, उसके आगे 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें से एक पामिस्ट्री भी है। इल्म नजूम से बिल्कुल भी, एस्ट्रोलॉजी से पामिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं। मुझे जिस चीज़ पे दस्तरत है वो है 10 चनासी। मैं हाथों का इल्म रखती हूँ और अब आके थोड़ा बहुत फेस रीडर भी हूँ, मैं ऐसे आपसे लोगों से क्यों गलत कलाम करूँगी, फेस रीडिंग भी करती हूँ, हैंड रीडिंग भी करती हूँ। बाकी जहाँ हमारे सियासी हालात की बात है तो सियासत के हिसाब से मैं यही कहूँगी कि इमरान खान साहब को 1 साल और हुकूमत कर देने देते तो इतने मौशी बहरान का आज हम शिकार ना होते जितना आज हम हो गए हैं। अभी एक आदमी खेल खेल ही रहा है, एक हुक्मरानी कर रहा है और उसको आप हटा के खुद बीच में आ रहे हैं। हुकूमतें इन्हीं चंद लोगों ने ही करनी है, कोई कौन सा मैंने आके महविश नवाज बन जाना या कुछ होना है, आपने भी मुझे दुआ दी है तो मैंने तो पामिस्ट्री रहना तो था, थोड़ा सा तौकफ कर लेते, इंतज़ार कर लेते तो हो सकता है कि आज जितने हमारे ये माशी बहरान आ गया है और एकदम से इतना महंगाई हो गई है तो कम से कम ये चीज़ ना होती। अच्छा जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके हवाले से बिल्कुल उनके बारे में बताना पसंद करूँगी। देखिए मैं किसी भी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मेरा देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों में से, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत हौसला और सब कुछ दे कि भाई वो एक सही डायरेक्शन में मुल्क पाकिस्तान को लेकर जाएं, क्योंकि वो हमारे हुक्मरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जो मनसब जो चीज़ें एज फॉर्मिस्ट मैं आपको बताऊँ कि जो अल्लाह ताला किसी को अता करता है वो बंदे के बस की बात नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको चुना वो आ गए और वो हुक्मरान बने हम पाकिस्तान रियत पर सारों पे, तो हमें भी उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियां हमें और इस उम्मत मुस्लिमा के लिए उनको एक अच्छा और कायद किस्म का एक हुक्मरान बनाए।